हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ASP.NET Core विद MongoDB डेटाबेस के बारे में। वैसे तो कई तरह के डेटाबेस है, जैसे यहाँ पे टॉप 10 डेटाबेस है उसका लिस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, Amazon रिलेशनल डेटाबेस सर्विस RDS, Oracle RDBMS, SQL Developers, LTBS, IBM DB2 और SQLite। इसमें से जो सबसे ज्यादा और शानदार डेटाबेस है वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी GoDaddy या कोई भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से उसको बाय करना पड़ेगा होस्टिंग के लिए। लेकिन ये MongoDB है वो फ्री डेटाबेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, MongoDB इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड लीडिंग NoSQL डेटाबेस। MongoDB ओपन सोर्स फ्री SQL डेटाबेस है। MongoDB इज रिटन इन C++। MongoDB C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। MongoDB इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी एंड इजी स्केलेबिलिटी। MongoDB वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटाबेस है जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, हाई अवेलेबिलिटी और इजी स्केलेबिलिटी, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। और MongoDB वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट और कलेक्शन के बेसिक पर वर्क करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है RDBMS और MongoDB। RDBMS यानी MySQL जैसे डेटाबेस होते हो, और यहाँ पे MongoDB डेटाबेस वैसे ही डेटाबेस को वर्क करता है, लेकिन SQL में टेबल होता है, जैसे MongoDB में कलेक्शन होता है। जैसे टपल और रो होता है उसमें डॉक्यूमेंट होता है, जैसे उसमें कॉलम होती है इसमें फील्ड होता है, टेबल को ज्वाइन करना पड़ता है, यहाँ पे एम्बेड डॉक्यूमेंट होता है, प्राइमरी की, ये प्राइमरी की इटसेल्फ ले लेता है। और MongoDB का जो भी डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। MongoDB इज ए फिजिकल कंटेनर फॉर कलेक्शन, ये कंटेनर बनाता है कोई भी कलेक्शन के लिए। ईच डेटाबेस गेट्स इट ओन सेट ऑफ फाइल्स ऑन द फाइल सिस्टम। ये अपने आप ही फाइल सिस्टम का एक ओन सेटअप कर लेता है। ये सिंगल MongoDB सर्वर टाइपिंग के लिए हैज मल्टीपल डेटाबेस। एक सिंगल MongoDB सर्वर होता है, उसमें आप कई तरह के मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं। कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ एन RDBMS टेबल। कलेक्शन जो भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है वो MongoDB में डॉक्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे RDBMS में टेबल होता है उसी तरह इसमें कलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है RDBMS में टेबल होता है और MongoDB में उससे जेसन फॉर्मेट में कलेक्शन होता है। ए कलेक्शन एग्जिस्ट विद इन ए सिंगल डेटाबेस। कलेक्शन डू नॉट एनफोर्स ए स्कीमा। डॉक्यूमेंट्स विद इन ए कलेक्शन कैन हैव ए डिफरेंट टेबल्स। टिपिकली ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ए कलेक्शन आर ऑफ सिमिलर और रिलेटेड पर्पस। ए डॉक्यूमेंट इज ए सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। डॉक्यूमेंट एक की वैल्यू पेयर का सेटअप होता है। डॉक्यूमेंट हैव डायनामिक स्कीमा। हर MongoDB का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो डायनामिकली स्कीमा बेस्ड होता है। डायनामिक स्कीमा मीन्स दैट डॉक्यूमेंट इन द सेम कलेक्शन डू नॉट नीड टू हैव द सेम सेट ऑफ फाइल्स और स्ट्रक्चर। डायनामिक स्कीमा का मीन ये होता है कि हमें जैसे इसमें टेबल में कॉलम सेट करनी पड़ती है, उसी तरह वो स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट कर लेता है। इसमें कॉलम या ऐसा कुछ भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एंड कॉमन फाइल्स इन ए कलेक्शंस डॉक्यूमेंट में होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जो भी कॉमन फाइल्स होते हैं कलेक्शन होता है उसमें आप कई तरह के डेटा इसमें होल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा। तो MongoDB कैसे यूज करते हैं वो जान लेते हैं। तो पहले तो हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे MongoDB की साइट है MongoDB.com ओपन कर लेते हैं।
जैसे मैंने पहले भी बताया, ये ओपन सोर्स फ्री है और यहाँ पे जैसे लिखा है ट्राई MongoDB फ्री इन द क्लाउड, ऑप्शन है वो आई एम लर्निंग MongoDB वर्क ईमेल नेम पासवर्ड। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इंक्लूड विथ योर फ्री क्लाउड डेटाबेस 512 MB ऑफ स्टोरेज, यहाँ हमें 512 MB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है और हाईली अवेलेबल सेट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑटोमेटेड पैचेस एंड रेस्ट API। जैसे यहाँ पे अब हम यहाँ चॉइस ए पाथ एडजस्ट एनी टाइम, यहाँ पे हम कोई भी जो इसका डेडिकेटेड क्लस्टर है, ये शेयर्ड क्लस्टर है, शेयर्ड क्लस्टर फ्री है, डेडिकेटेड क्लस्टर का 0.8 पर आवर चार्जेस है और डेडिकेटेड मल्टी रीजनल क्लस्टर का 0.30 पर आवर चार्जेस है। हम फ्री वाला ही क्लस्टर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइड इन रीजियन AWS वर्जीना गूगल क्लाउड, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, अजूरा सिलेक्ट कर सकते हो, 512 MB का स्टोरेज है फ्री फॉरएवर। टर्न ऑन बैकअप, हमें बैकअप नहीं चाहिए। क्लस्टर नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ क्लस्टर 0 ही रखेंगे और क्लस्टर को क्रिएट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, ये 3 मिनट तक का समय लेगा क्लस्टर क्रिएट होने में। देखिए अब यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो गया है और ये क्लस्टर का वर्जन है वर्जन 4.2.9। अभी यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं क्लस्टर को, कनेक्शन हो कलेक्शन उसका देख सकते हैं। आगे के वीडियो में हम डेटाबेस कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो जानेंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे। Thank you for watching my video and have a nice day. Once again, thank you.